जय श्री कृष्णा भक्तों, हम एक बार फिर से आपके मध्य एक नई जानकारी, एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। साथियों, आज का जो प्रसंग हम लेकर आए हैं, वह प्रसंग बहुत ही शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक है। अतः आप सभी भक्तों से मेरा निवेदन है, कृपया वीडियो को पूरा देखें और इस प्रसंग को पूरा श्रवण करें। भक्तों, आज का जो प्रसंग है, जो स्त्री ये चार काम अपने पति की गैर मौजूदगी में या अपने पति से छुपकर करती है, तो वह 100% उल्टा स्वभाव की होती है। और ऐसी चार प्रकार की स्त्रियां चरित्रहीन स्त्रियों की श्रेणी में आती हैं। भक्तों, आज की जो कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं, यह कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद एवं ज्ञानवर्धक होने वाली है। साथियों, कहानी पर आगे बढ़ने से पहले मेरा एक छोटा सा निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल सत्यार दर्शन को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें, ताकि भक्तों आगामी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे और आप सभी भक्त उस वीडियो को देखकर अपने ज्ञान में और अधिक वृद्धि कर सकें। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज की प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा प्रसंग। साथियों, बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में हीरों के एक बहुत ही बड़े जौहरी हीराचंद रहा करते थे। हीराचंद के पास अपार धन संपदा थी, उनके घर में धन की कोई कमी ना थी। साथियों, उस जौहरी की एक पुत्री थी संगीता, जिसे वे दिलोजान से लाड़ प्यार करते थे और उसकी हर मांग मांगने से पहले ही पूरा कर दिया करते थे। भक्तों, वो कहते हैं ना कि बच्चों का हद से ज्यादा लाड़ प्यार उनके भविष्य के लिए खतरनाक होता है। ठीक वैसा ही हुआ उस जौहरी हीराचंद के साथ भी। जौहरी की पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। उस जौहरी के घर में मात्र पिता पुत्री ही रहा करते थे, क्योंकि संगीता उस जौहरी की इकलौती पुत्री थी, इसीलिए वो उसे बहुत ही लाड़ प्यार किया करते थे। उनके लाड़ प्यार का संगीता ने गलत फायदा उठाया। साथियों, जैसे जैसे समय गुजरा और समय गुजरने के साथ ही संगीता सियानी होने लगी। जैसे ही संगीता 16 साल की हुई तो उसकी नज़र पड़ोस में रहने वाले एक सेठ के लड़के से मिल गई। कब उनका प्रेम परवान चढ़ गया, इसकी किसी को भनक भी नहीं लगी। साथियों, जब संगीता की उम्र 18 वर्ष की हुई तो उस जौहरी ने अपनी ही बिरादरी के अपने मित्र के लड़के के साथ उस संगीता का रिश्ता पक्का कर दिया। साथियों, इस प्रकार वो जौहरी हीराचंद अपनी पुत्री का विवाह अपने ही मित्र के लड़के के साथ कर देता है और बड़े ही धूमधाम के साथ अपनी बेटी की शादी करता है और उसे दहेज में बहुत सा रुपया और दान दहेज देकर विदा करता है। मित्रों, उस जौहरी के घर में और कोई काम धंधा करने वाला नहीं था। उसके घर का चूल्हा चौका करने वाला और कोई नहीं था, इसलिए वो अपनी पुत्री को जल्दी ही वापस उसकी ससुराल से बुला लेता है। साथियों, इस प्रकार वो संगीता अपने पिता के घर आ जाती है और पहले की तरह ही अपने प्रेमी उस सेठ के लड़के के साथ शादी के बाद भी रंगरेलियां मनाती रहती है। साथियों, एक दिन की बात है, जौहरी अपनी कोई वस्तु उस दिन अपने घर पर ही भूल गया। जब वह दुकान पर पहुंचा तो उसे उस वस्तु की याद आई। जब वह उस वस्तु को लाने के लिए घर पहुंचा तो
तो उसने देखा कि उसके घर का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है। जब वह घर के अंदर दाखिल हुआ तो अंदर का नजारा देखकर दंग रह गया। घर के अंदर उसकी पुत्री और सेठ का लड़का एक दूसरे का आलिंगन कर रहे थे। साथियों, ये नजारा देख करके वो जौहरी वापस ही उल्टे पांव अपनी दुकान पर लौट आता है और दुकान पर लौटकर सोच विचार में पड़ जाता है और सोचने लगता है कि मैंने अपनी पुत्री को इतना लाड़ प्यार दिया और वह कहीं किसी के घर घूमती रही, मैंने उसे रोका टोका नहीं, शायद इसीलिए मेरी पुत्री इस मुकाम तक पहुंच गई है। साथियों, एक कहावत भी है कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुन गई खेत। साथियों, वो जौहरी सोचने लगता है कि मुझे अब ज्यादा विलंब नहीं करना चाहिए और जल्दी से जल्दी मुझे अपनी पुत्री को ससुराल भेज देना चाहिए, इसी में सभी की भलाई है। और इस प्रकार साथियों, वो जौहरी दूसरे दिन ही अपने दामाद को अपने घर बुला लेता है। जब उसका दामाद उसके घर आता है तो वह अपने दामाद का बहुत ही स्वागत करता है और उसकी खूब सेवा सत्कार करता है। साथियों, जैसे ही रात्रि का समय होता है तो वह जौहरी अपने दामाद के लिए मुख्य द्वार पर ही बिस्तर लगा देता है और अपने दामाद को मुख्य द्वार पर ही सुला देता है। साथियों, रात्रि के समय जैसे ही सभी लोग सो जाते हैं और घड़ी में रात्रि के जब 12 बजते हैं तो वह जो जौहरी की पुत्री थी वह चुपके से दबे पांव अपने घर से निकलती है और सेठ के लड़के के पास मिलने के लिए चली जाती है। उसके बाद में जो मित्रों जौहरी का दामाद था उसके लिए इस बात का पता चल जाता है कि मेरी पत्नी का किसी के साथ चक्कर जरूर चल रहा है और मेरी पत्नी गलत रास्ते पर चल रही है, वरना एक अकेली स्त्री आधी रात को घर से बाहर भला क्या करने जाएगी। साथियों, उस दिन तो वह जौहरी का दामाद अपनी पत्नी से कुछ नहीं बोला, परंतु साथियों, जैसे ही दूसरा दिन होता है और दूसरे दिन की शाम होती है तो जौहरी का दामाद सोचने लगता है कि आज तो मैं अपनी पत्नी के लिए रंगे हाथों जरूर पकड़ लूंगा और ये जान लूंगा कि आखिर आधी रात को मेरी पत्नी कहाँ जाती है और किससे मिलती है और ये वहाँ जाकर क्या गुल खिलाती है। साथियों, जो जौहरी का दामाद था उस रात सोता नहीं है बल्कि बिस्तर पर पड़कर सोने का नाटक करता है। साथियों, जैसे ही अर्धरात्रि हुई और रात के 12 बजे तो जौहरी की पुत्री अपने घर का दरवाजा खोल करके अपने घर से बाहर जाने लगती है। जो जौहरी की पुत्री का पति था वह भी अपनी पत्नी के पीछे पीछे चल देता है और उसके पीछे जाकर ये देख लेता है कि उसकी पत्नी का गैर मर्द के साथ नाजायज संबंध है और उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष से प्रेम करती है। साथियों, ये सब देखकर वह लोकलाज के भय से वहां तो कुछ नहीं कहता और उल्टे पांव वापस लौटकर अपनी चारपाई पर आ जाता है और फिर से गहरी नींद में सोने का नाटक करने लगता है। और कुछ समय के पश्चात जौहरी की पुत्री भी अपने प्रेमी उस सेठ के लड़के से मिलकर अपने घर लौट आती है और अपने घर का दरवाजा बंद करके सोने चली जाती है। साथियों, जब तीसरा दिन होता है तो वह जौहरी अपनी पुत्री को अपने दामाद के साथ उसकी ससुराल के लिए विदा कर देता है और जौहरी का जो दामाद था वह खुशी खुशी
अपनी पत्नी को लेकर अपने घर आ जाता है। साथियों, जो जौहरी का दामाद था, उसके पिता में और उस जौहरी में बहुत पहले से ही गहरी दोस्ती थी। इस कारण से वह अपने ससुर उस जौहरी का बहुत ही सम्मान करता था और उस जौहरी ने अपनी पुत्री की शादी से पहले भी विपत्ति के समय में बहुत सी उसके परिवार की मदद की थी और उस जौहरी के उसके परिवार पर बहुत ही एहसान थे। इस कारण से वह अपनी पत्नी के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताता और अपनी पत्नी को खुशी खुशी घर ले जाता है। लेकिन घर लाकर वह अपनी पत्नी से थोड़ा कटाकटा सा रहने लगता है और चिड़चिड़ा कर बातें करने लग जाता है। बात भी सही थी साथियों, आंखों देखी मक्खी किसी से नहीं निगली जाती। उसके बाद में जो जौहरी का दामाद था, वह मन ही मन सोचने लगता है कि मैं इस तरह की पत्नी के साथ कैसे जीवन यापन करूंगा, और इसी उधेड़ बुन में रहने लगता है। धीरे धीरे उस संगीता के व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है। वह उसके माता पिता की खूब सेवा करने लगी और अपने पति का भी खूब ख्याल रखने लगी। शाम को जब जौहरी का दामाद काम से लौटकर घर आता तो वह अपने पति की खूब सेवा करती और उसे यह विश्वास दिलाने में लगी रहती कि उसके सिवाय इस संसार में उसका कोई नहीं है। जब जौहरी के दामाद ने अपनी पत्नी का ऐसा व्यवहार देखा तो वह भी सोचने लगा कि हो सकता है मेरी पत्नी बदल गई हो। लेकिन फिर भी उसके पति के मन में अपनी पत्नी के प्रति शंका बनी ही रहती। कहते हैं न साथियों, रहमन धांगा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जोड़े से फिर जुड़े नहीं, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। साथियों, इसी शंका के चलते वो अपनी पत्नी की परीक्षा लेने का विचार करता है और सोचता है, मैं अपनी पत्नी की परीक्षा तो जरूर लूंगा और उसके परीक्षण से ये पता लगा कर रहूंगा कि मेरी पत्नी मुझसे सच्चा प्रेम करती है या फिर प्रेम करने का दिखावा करती है, या उसके मन में अभी भी उस सेठ के लड़के के लिए ही प्यार भरा हुआ है। साथियों, अगले दिन वो जौहरी का दामाद अपने घर से बाहर जाता है और गांव के बाहर रह रहे एक साधु के पास पहुंच जाता है। साधु की कुटिया पर पहुंचकर वह साधु को प्रणाम करता है और उनके सामने ही जमीन पर बैठ जाता है। साधु ने जब जौहरी के दामाद के चेहरे पर जब चिंता की लकीरों को देखा तो साधु पूछने लगता है, क्या बात है बेटा, किस चिंता में तुम डूबे हुए हो? तो वो जौहरी का दामाद सब कहानी उस महात्मा को सुना देता है और उस साधु से कहता है कि मुनिवर, इस कारण से मैं चिंता में हूँ और अब मैं अपनी पत्नी की परीक्षा करना चाहता हूँ कि वो मुझसे दिखावे का प्रेम करती है या सचमुच ही वो बदल गई है, या फिर उसके मन में अभी भी उस सेठ के लड़के के लिए ही प्यार है। साधु बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी पता करके आता हूँ कि तेरी पत्नी के दिल में क्या चल रहा है और वह किसे प्यार करती है। साधु ने ज्योतिषी का भेष बनाया और नगर के लिए चल दिया और कुछ समय के बाद वो साधु ज्योतिषी के भेष में वहां पहुंच गया जहां वो जौहरी की पुत्री संगीता रहती थी। उस ज्योतिषी ने दरवाजे पर पहुंचकर आवाज लगाई कि ला बेटी, थोड़ा जल पिला दे। जब संगीता ने बाबा के ऐसे वचनों को सुना
तो वह एक लोटा जल का भर के ले आई और बाबा को पिलाने लगी। ज्योतिषी बने साधु ने जल पिया और जल पीकर वह संगीता के माथे की तरफ देखने लगा। फिर वो साधु बोला, बेटी तेरा नाम संगीता है? तो वह बोली, हाँ बाबा, पर तुम्हें कैसे पता? तो साधु बोला, बेटी मैंने ज्योतिष का बहुत अध्ययन किया है और मैं हाथ की लकीरों को देखकर तुम्हारा भाग्य पढ़ सकता हूँ और मैं ये भी बता सकता हूँ कि तेरे भाग्य में क्या क्या लिखा है। ज्योतिषी की ऐसी बातों को सुनकर वो जौहरी की पुत्री उस साधु के सामने बैठ गई। साधु ने हाथ दे करके कहा कि बेटी तेरी शादी से पहले किसी अन्य पुरुष से प्रेम प्रसंग था? तो संगीता बोली, हाँ बाबा आप सत्य कहते हो, मेरा शादी से पहले सेठ के लड़के से प्रेम प्रसंग था। आगे वो साधु बोला, बेटी तू अभी भी उसके बारे में ही सोचती है और तेरे अंदर अभी भी उसी से ही मिलने की व्याकुलता लगी रहती है। संगीता बोली, जी बाबा आप तो अंतर्यामी हैं। बाबा ये सब तो तुमने मुझे बता दिया, लेकिन हमारा दोबारा से मिलन कैसे होगा ये भी बता दो। तो वो ज्योतिषी के भेष में साधु बोला, बेटी उसके लिए मुझे तुम्हारा कोई प्रिय गहना चाहिए जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद हो। उस जौहरी की पुत्री ने तुरंत ही अपने गले से हार उतारा और उस ज्योतिषी के लिए दे दिया। साथियों, वो ज्योतिषी बना साधु उस हार को लेकर चल देता है और वापस वहीं आ जाता है अपनी कुटिया पर, जहां पर वो जौहरी का दामाद बैठा हुआ उसका इंतजार कर रहा था। जब जौहरी के दामाद ने पूछा, मुनिवर मेरी पत्नी की परीक्षा ले आए? तो साधु बोला, जी बेटा मैं तेरी पत्नी की परीक्षा ले आया और मैं यह भी पता कराया कि वो किसे प्यार करती है, और बताने लगा कि वह अभी भी उस सेठ के लड़के से ही प्यार करती है और तेरे साथ तो सिर्फ प्रेम का दिखावा करती है, और प्रमाण के लिए मैं उसका हार लेकर आया हूँ। जौहरी के दामाद ने उस साधु से वह हार ले लिया और अपने घर के लिए चल देता है। साथियों, जैसे ही रात्रि का समय होता है और वह अपनी पत्नी की सेज सैया पर जाता है, तो उसके पास जाकर वह जौहरी का दामाद पूछता है और कहता है, प्रिय तुम्हारे गले में जो हार था वह हार कहीं दिखाई नहीं दे रहा, आखिर कहाँ गया? तो साथियों, आपको तो पता ही है कि जिसने स्त्रियों की रचना की वो ब्रह्मा भी त्रिया चरित्र को नहीं समझ पाया, फिर हम पुरुष की तो बिसात ही क्या है। तो साथियों, उस जौहरी की बेटी अपने पति से झूठ बोलने लग जाती है और कहती है, आपके लिए पता नहीं, कल जब मैं कुएं पर पानी भरने गई थी तो कहीं रास्ते में वो हार मुझसे गुम हो गया। दर्शकों, उसके बाद में उसका पति सोचने लग जाता है कि एक तो मेरी पत्नी चरित्रहीन है, उल्टा है और ऊपर से झूठ भी बोल रही है। मित्रों, उसके बाद वो जौहरी का दामाद अपनी जेब से उस हार के लिए निकालता है और कहता है, प्रिय ये देखो, कहीं ये हार तो तुम्हारा नहीं है। जब वह अपने पति के हाथों में वो हार देखती है जो उसने खुशी खुशी ज्योतिषी को दिया था, ये देखकर वो जौहरी की पुत्री अपने सर के लिए शर्म की वजह से नीचे झुका लेती है और बड़ी ही उदास हो जाती है और कहती है, आपके पास ये हार कैसे आया? अपनी पत्नी के ऐसे वचनों को सुनकर
वो जौहरी का दामाद अपनी पत्नी को सब कुछ बता देता है और कहता है, प्रिये मुझे तुम्हारे बारे में पहले से ही सब कुछ पता है और मैं तुम्हारी सब करतूतों को पहले से ही जानता हूँ। जब मैं तुम्हें विदा कराने के लिए तुम्हारे घर गया हुआ था और रात्रि में तुम अपने प्रेमी से मिलने के लिए जब अपने घर से बाहर निकली थी, तो मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे साथ चला गया था और मैंने सब कुछ देख लिया था। आज भी मैंने अपने गुरु को तुम्हारी परीक्षा करने के लिए तुम्हारे पास भेजा था और तुमने अपने प्रेमी के मिलने की आस में ये हार उतार कर जिस ज्योतिषी को दिया था वो मेरे ही गुरु थे और मैंने ही तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए तुम्हारे पास भेजा था। साथियों, अपने पति के मुंह से जब उस जौहरी की बेटी ने ऐसी बातों को सुना तो वह हैरान रह गई और उसकी बातों का कुछ भी जवाब नहीं दे पाई। साथियों, जो जौहरी का दामाद था वह अपनी पत्नी की गलतियों को माफ कर देता है और कहता है, हे भद्री, आज से ऐसा गलत कार्य कभी मत करना। साथियों, उसके बाद में ऐसे ही दो चार महीने बीत जाते हैं और उस जौहरी की बेटी के लिए अपने प्रेमी की याद सताने लगती है और उधर जो सेठ का बेटा था उसे भी अपनी प्रेमिका जौहरी की बेटी की याद सताने लगती है। जब सेठ के लड़के की तड़प ज्यादा बढ़ जाती है तो वह सेठ का लड़का जौहरी की लड़की से मिलने के लिए उसकी ससुराल को चल देता है और उसकी ससुराल के समीप पहुंच जाता है। जब सेठ का लड़का उसकी ससुराल के समीप पहुंच गया तो उसने अपना भेष एक सन्यासी का बना लिया और सन्यासी का भेष बनाकर बीच गांव में जो एक कुआ था जिससे उस गांव की सभी औरतें पानी भर के ले जाती थीं, उस कुएं की मन पर ध्यान मुद्रा में बैठ गया और साधना करने का ढोंग करने लगा और सोचने लगा कि वो जौहरी की लड़की इस कुएं पर पानी भरने के लिए अवश्य आएगी। और साथियों, हुआ भी वैसा ही। जैसे ही वो जौहरी की बेटी उस कुएं पर पानी भरने के लिए आती है तो वह सेठ का लड़का उसे इशारा कर देता है। जौहरी की बेटी तुरंत ही उस सेठ के लड़के के लिए पहचान जाती है और उससे बातें करने लगती है और कहती है कि आखिर तुम मुझसे मिलने के लिए आ ही गए। तो सेठ का लड़का कहता है, हाँ प्राण प्रिय, तुम्हारी जुदाई में एक एक दिन एक एक वर्ष के समान गुजर रहा था और तुम्हारी तड़प मुझसे सही ना गई तो मैं मिलने के लिए साधु बनकर तुम्हारे गांव में आ गया। जौहरी की बेटी कहती है, मेरे प्राण प्यारे, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ऐसा करती हूँ कि तुम मेरे घर आ सकते हो और पूरी रात मेरे साथ बिता सकते हो। और ऐसा कहकर वो जौहरी की बेटी कुएं से पानी भरकर वापस अपने घर को लौट जाती है और अपने घर पहुंचकर अपने पैरों को पकड़कर जोर जोर से रोने चिल्लाने लगती है और अपने वस्त्र और चेहरों की भाव भंगिमा बिगाड़ लेती है और ऐसा दिखाने लगती है जैसे कितनी ही उसे असहनीय पीड़ा हो रही है। साथियों, जब जौहरी का दामाद अपनी पत्नी की ऐसी हालत को देखता है तो वह घबरा जाता है और जल्दी से राज वैद्यों को बुला लाता है
राजवैद जब उसके घर आते हैं और उसकी पत्नी की परीक्षण करते हैं और अपनी अपनी दवा दारू उसके लिए देते हैं। लेकिन साथियों, यदि कोई रोग होता तो दवा अपना असर करती। नाटक में भला दवा क्या असर करेगी? सभी वैद्य हकीम अपना अपना प्रयास करके वापस लौट जाते हैं। जब सभी वैद्य हकीम चले गए तो जौहरी की बेटी अपने पति से कहने लगी, पियाजी, यदि मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो हमारे गांव में कुएं के पास एक सन्यासी आया हुआ है और मैंने लोगों के मुंह से सुना है कि वो सन्यासी बहुत ही पहुंचा हुआ संत है और उसके पास में जादू शक्तियां हैं। पियाजी, मुझे ऐसा लगता है कि वो सन्यासी ही अपनी जादू शक्तियों के द्वारा मेरे इस दर्द पीड़ा को समाप्त कर सकता है। जौहरी का दामाद अपनी पत्नी की चालाकी को नहीं भांप सका और अपनी पत्नी की बातों में आकर उस सेठ के लड़के को अपने साथ बुला लाता है जो सन्यासी के वेश में कुएं पर बैठा हुआ था। साथियों, वो सेठ का लड़का अपनी प्रेमिका के पैरों की तरफ देखता है और मंत्र बोलकर अपने कमंडल से थोड़ा जल उसके पैरों पर छिड़कता है। जल के छींटे पड़ते ही वो जौहरी की लड़की अपने पति के सामने ठीक होने का नाटक करने लगती है। साथियों, इस प्रकार वो सेठ का लड़का जादू टोना की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उस जौहरी के दामाद के घर ही रुक जाता है। साथियों, जैसे ही रात्रि का समय होता है तो जौहरी की लड़की अपने पति के पास से उठती है और चुपके से उस कक्ष में पहुंच जाती है जहां पर वो साधु बना हुआ सेठ का लड़का विश्राम कर रहा था। जब वो अपनी प्रेमिका को देखता है तो सेठ का लड़का बड़ा ही प्रसन्न होता है और इस तरह वो सेठ का लड़का और जौहरी की लड़की अपनी प्रेम लीला करने में व्यस्त हो जाते हैं। साथियों, उधर जब जौहरी के दामाद की निद्रा खुलती है और अपनी पत्नी को वह अपने बिस्तर पर नहीं पाता है तो वह बेचैन हो जाता है। जब वह अपने कक्ष से निकलकर बाहर देखता है तो उसे सन्यासी के कक्ष से अपनी पत्नी की आवाज सुनाई देती है। जब वह जौहरी का दामाद उस सन्यासी के कक्ष में झांक करके देखता है तो पूरा मामला समझ जाता है और उस कक्ष के दरवाजे को बाहर से कुंडी लगा देता है। साथियों, वो जौहरी का दामाद उस सेठ के लड़के और अपनी पत्नी को कक्ष में बंद करके राजा के सैनिकों के पास पहुंच जाता है और उन्हें पूरा घटनाक्रम बता देता है। राजा के सैनिक आते हैं और उन दोनों को पकड़कर राजदरबार में ले जाते हैं जहां पर राजा सेठ के लड़के को तो कारागार में बंद कर देता है और उस जौहरी की लड़की को उसके बाल काटकर मुंह पर कालिक पोतकर और गधे पर बिठाकर शहर में घुमाने का आदेश दे देता है। साथियों, इस प्रकार वो जौहरी का दामाद दोनों को सजा दिलाकर अपने गुरु की कुटिया पर पहुंच जाता है और अपने गुरु को सारा घटनाक्रम बता देता है। जब उसके गुरु उसके मुख से ये सब घटनाक्रम सुनते हैं तो उसके गुरु कहते हैं, बेटा, इन चार प्रकार की स्त्रियों से सदैव बचकर रहना चाहिए। इन चार प्रकार के लक्षणों वाली स्त्रियां 100% उल्टा स्वभाव की और चरित्रहीन होती हैं। बेटा, पहले प्रकार की स्त्री है जिस स्त्री का विवाह हो गया हो और विवाह हो जाने के बाद भी
अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध रखती हो तो वह स्त्री धोखेबाज होती है और चरित्रहीन होती है। और बेटा, ऐसी स्त्री अपने पति की मृत्यु हंसते हंसते करवा देती है और ऐसी स्त्री कभी भी अपने पति का सम्मान नहीं करती, बल्कि सम्मान करने का दिखावा करती है। बेटा, दूसरी बात, जो स्त्री अपने पति से झूठ बोलती है या फिर झूठे वादे करती है या फिर झूठी तसल्ली देती है या फिर झूठे दिलासे देती है, इस प्रकार की स्त्री भी चरित्रहीन होती है। तीसरी बात है बेटा, जो स्त्री अपने पति के सामने दूसरे व्यक्ति की प्रशंसा करती है वह स्त्री भी चरित्रहीन होती है। और चौथी और अंतिम बात बेटा, जो स्त्री अपने पति का नाम लेकर बुलाती है या बात बात पर झगड़ा करती है या अपने पति की दूसरे लोगों से बुराई करती है, वह स्त्री भी दुष्ट स्वभाव की होती है। बेटा, अब तू ज्यादा सोच विचार मत कर, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। तेरा कोई प्रारब्ध रहा होगा, इस वजह से तुझे ये दिन देखना पड़ा। साथियों, कभी कभी हम किसी अन्य के साथ इतना बुरा बर्ताव कर देते हैं कि बस पूछो ही मत। जब समय का चक्र घूमता है, जैसा हमने किसी के साथ किया था वो ही जब हमारे सामने आता है तो हम लोग नसीब को दोष लगाने लग जाते हैं। साथियों, ये सब बातें हमें समझने की जरूरत है। हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा व्यवहार हम अपने लिए चाहते हैं। दूसरे की बहन बेटियों को उसी नजर से देखना चाहिए जैसे हम अपनी बहन बेटियों को देखते हैं। साथियों, आशा करता हूँ आप मेरा इशारा समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। साथियों, इस वीडियो से संबंधित कोई राय हो या सुझाव हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। यदि कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता तो कृपया वीडियो के कमेंट में जय श्री कृष्णा या आप जिस भगवान को मानते हो उनका नाम जरूर लिखें। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक भी कर दें। आप ऐसा करते हैं तो हम समझते हैं कि आपको हमारी मेहनत पसंद आई। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री श्याम।